बिजनौर के नजीबाबाद निवासी मोहल्ला गडरियान लवी प्रजापति पुत्र ज्ञानचंद प्रजापति अपने सगे भाई नकुल प्रजापति और अपने दो दोस्तों के साथ कोटद्वार लालपुल नदी में नहाने के लिए गए थे। नहाते वक्त अचानक लवी का पैर फिसल जाने के कारण तेज पानी के बहाव में बह गया। भाई और दोस्तों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन लवी को तेज पानी के बहाव के कारण नहीं बचाया जा सका। सूचना मिलते ही कोटद्वार पुलिस और गोताखोर टीम मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से नदी में सर्च ऑपरेशन चलाकर 4 घंटों की मशक्कत के बाद मृतक का शव पानी से बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा और परिवार वालों को सूचना की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जी भैया बताएं, कल ये जो हादसा हुआ है वो किस तरह से हुआ है, कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है? हादसा कोटद्वार हुआ है कि वहाँ नहाने गए थे, नहाते हुए जो है खो नदी में पैर फिसल गया, जिसके वजह से उसमें 501 मीटर बहा है और 3 बजे के करीब उसकी डेड बॉडी मिली। आप उनके क्या लगते हैं? मैं चचेरा भाई हूँ। अच्छा, डेड बॉडी आ गई? डेड बॉडी अभी कोटद्वार है, कोटद्वार से आएगी 12:30 बजे तक। पोस्टमार्टम वगैरह हो गया है? हाँ जी। उनके साथ और कौन कौन गए थे? उसके छोटा भाई था, दो दोस्त थे। जो जिनकी मृत्यु, उनका क्या नाम है? लवी प्रजापति।